दुनिया भर च ज्यादातर लोगों की सवेर इस एक प्याली चाह के बिना अधूरी है। दुनिया च चाह के दीवाने वधेरे मिल जाएंगे। यही एक कारण है कि दुनिया भर के कई देशों च चाह का उत्पादन हो रहा है। भारत च ही आसम तो लैके केरल के दार्जिलिंग तक चाह का उत्पादन होंदा है। पर इन सारिया विचाले हिमाचल के कांगड़ा की चाह अपनी एक वक्री पछाण रखती है। कांगड़ा के पालमपुर च कांगड़ा टी के बगान हैं। अंग्रेजा नू इत्थों दा मौसम चाह लई बेहद ढुकवां लग्या तां साल 1850 च इत्थे चाह दा उत्पादन शुरू होया। इस चाह दे बीज चाइना तो लियांदे गए सन, जिस दे कारण चाह नू चाइना हाइब्रिड भी कहा जांदा है। यहाँ पर चाय जो है सबसे अच्छी लग सकती है, और चाय में चाय इसलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि ये एरिया जो है वो हिल स्टॉप एरिया है। यहाँ पर ओलावृष्टि जो है वो बहुत अचानक हो जाती है, दिसंबर में भी हो जाती है, अक्टूबर में भी हो जाती है, मई में हो जाती है, और बाकी जो फ्रूट है वो टिक नहीं पाते हैं। फ्लावरिंग टाइम पे ओलावृष्टि होती है, तो इसलिए चाय को सिलेक्ट किया और चाय जो है वो यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। कांगड़ा टी की खुशबू ते इसका स्वाद इस नू होरना चाह नालों वखरा बनाउंदा है। इस दे अजिहे गुणा दे चलदे ही दुनिया दे कई देशां च इस चाह नू दूजी चाह नालों वधेरे तरजीह दित्ती जांदी है। क्योंकि आम चाय जो है जो असम की चाय तो बहुत लेट लगी, उस पे जो रंग तो बहुत आता है, लेकिन खुशबू और बाकी क्वालिटी जो है वो बहुत कम है। और इस चाय को पसंद करके फिर चाय का जो यहाँ पैदा होती थी उसको इंग्लैंड में और स्पेन में बार्सिलोना और एम्स्टरडम में भेजा जाता था, हॉलैंड वगैरह में, और ये चाय बड़ी मशहूर हुई है और इससे लोगों को रोज़गार भी मिला है। और साथ में वो जो लोग यहाँ पर अंग्रेज आए थे या बसे थे उनको भी एक व्यवसाय जो है मिला था। ये चाह स्वाद ही नहीं सगो सेहत लई भी जानी जाती है। भावे इसका उत्पादन असम दे दार्जिलिंग टी जिन्ना ना होवे, पर अपने गुणा दे चलदे ये चाह अज भी कई देशां दी सवेर च स्वाद भरदी है। हमारी जो कांगड़ा की चाय है उसकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, और हमारी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, एंटी एजिंग है, और हमारी जो इसकी क्वालिटी की चाय, हमारी जो कांगड़ा की जो चाय की जो क्वालिटी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमारी चाय को लंदन में और आर्मस्टर्डम में 1985 टू 1905 तक गोल्ड और सिल्वर मेडल वोन किए हैं इस चाय ने। अंग्रेजा के जाने तो बाद तकनीक ते रिसर्च की घाट का कांगड़ा टी दे असर पिया, पर लंघते वक्त नाल कांगड़ा टी की रंगत निखरती रही। अज ये कई देशों तक पहुँच रही है ते इस च प्रदेश सरकार ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। चाह की पैदावार च लगभग 6000 लोगों को रुजगार मिलया। ब्लैक टी तो लैके ग्रीन टी की पैदावार इन्हों बगाना विच ही होंदी है। इन्हों विचों ज़्यादातर निर्यात होके दूजे खेत्र च पहुँचती है। कांगड़ा की चाय जो है इसमें एक अलग प्रकार की खुशबू है, और ये चाय 1850 में यहाँ लगाई गई थी। तब ये अंग्रेजों द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन उनके माइग्रेशन के बाद यहाँ फिर थोड़ी टेक्निकल नो हाउ की कमी हो गई, उस कारण थोड़ी ये चाय पीछे रह गई। लेकिन आजकल फिर ये चाय यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, कुछ बायर यहाँ से इसको जर्मनी ईरान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो ये चाय है इसका अपना एक यूनिक फ्लेवर है, जिस तरह से आप देखेंगे कि वाइन इंडस्ट्री में अपनी अपनी वाइन का एक अलग फ्लेवर आता है, उसी तरह से जो कांगड़ा चाय है इसका जो फ्लेवर है ये किसी और चाय में आपको नहीं मिलेगा। इसका अपना एक फ्लेवर, एक कलर है जो इसको अपने आप में अलग करेक्टर देता है, जो इसे अपना अलग मशहूरियत देता है। अपने स्वाद, खुशबू ते गुणवत्ता कारण कांगड़ा दी चाह दुनिया भर दी सब तो वधिया चाह दी लिस्ट च अपनी थां बना चुकी है। इस दे लई कई पुरस्कार जीत चुकी है। इस चाह दे अज कई दीवाने हन। शुरुआत इंग्लैंड, स्पेन ते हॉलैंड तक ही कांगड़ा टी का स्वाद रहा, पर मौजूदा समय च फ्रांस, जर्मनी, अफगानिस्तान तो लैके एशिया ते यूरोप दे कई हिस्सों तक पहुँच चुके हैं। अमरीकी दौरे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नू कांगड़ा दी चाह तोहफे वजो दित्ती सी। ईटीवी भारत दी रिपोर्ट। To watch 24/7 News Live, download ETV Bharat app.